चलिए, एक क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, व्हेन टू रेजिस्टर्स आर जॉइंड इन सीरीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 90 ओम। क्या जब दो रेजिस्टर्स को, यहाँ पर रेजिस्टर्स कितने दे रखे हैं, दो रेजिस्टर्स दे रखे हैं, उसको किसमें ज्वाइन किया गया, सीरीज में, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 90 ओम। मतलब मेरे पास आर वन प्लस आर टू इक्वल कितना 90 ओम है दिया हुआ, ठीक है। तो मैं फर्स्ट मान लेंगे क्वेश्चन, उसका क्या, व्हेन द सेम रेजिस्टर, उसी रेजिस्टर्स को आर ज्वाइन इन पैरेलल, जब उसको पैरेलल ज्वाइन किया जाता है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है 20 ओम आता है। मतलब तो हमें पता है कि आर वन इंटू आर टू बाई आर वन प्लस आर टू कितना जाएगा 20 ओम जाएगा। इसको मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकेंड। आपको उन्होंने बताया था ना कि दो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है आर वन इंटू आर टू बाई आर वन प्लस आर टू। ये समझ गए यहाँ तक? हाँ, चलिए अब देखिए, मेरे पास कह रहा कि R1 और R2 को फाइंड कीजिए, ठीक है। और मेरे पास कोई कुछ ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं, तो अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मैथ्स का एक फार्मूला। क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, मैथ्स का एक फार्मूला, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट मैथ्स, मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा मैथ का यूज करना पड़ता है। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे R1 और R2, तो बाय यूजिंग ए फार्मूला। तो फार्मूला क्या, आप देखो फार्मूला मेरे पास ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है बताइए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। देखो अगर इसको, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी आएगा, इधर आएगा, इधर देखो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और इसका माइनस फोर ए बी है, तो टू ए बी से माइनस फोर ए बी चला जाएगा, क्या जाएगा माइनस टू ए बी हो जाएगा। तो सेम फॉर्मूला हो गया दोनों का, तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ से मान लो, तो ये a और b जो हमारा है ये क्या जाएगा r1 हो जाएगा, और b क्या जाएगा हमारा r2, मतलब r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू r1 इंटू r2। ये समझ गए, ठीक है। अब मुझे r1 इंटू r1, सॉरी यहाँ पे जाएगा r2 जाएगा, आर वन माइनस आर टू निकालना हो तो क्या है? रूट डालेंगे, क्या डालेंगे रूट। तो उसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे देखो, हमें निकालना होगा आर वन प्लस आर वन इंटू आर टू निकालना होगा, तो पहले निकाल लेते क्योंकि इस वैल्यू को यहाँ पे यूज करना होगा। तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं आर वन इंटू आर टू, तो देखो यहाँ से हमको निकाल लेते आर वन इंटू आर टू, कैसे निकालेंगे देखो, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना आर वन, तो आर वन इंटू आर टू इक्वल टू ये जाएगा मल्टीप्लाई में इधर, तो क्या जाएगा 920 इंटू आर वन प्लस आर टू का वैल्यू कितना है 90, आप 90 पुट कर लो तो कितना जाएगा 1800। आया बात समझ में? चलो यहाँ से यूज कर लिए, अब इस वैल्यू हम लोग यूज करेंगे इस वाले में, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या डालेंगे रूट डालेंगे, तो रूट डालेंगे क्या बन जाएगा आर वन माइनस आर टू इक्वल टू रूट अंडर आर वन प्लस आर टू का स्क्वायर माइनस फोर आर वन इंटू आर टू। वैल्यू पुट कीजिए, आर वन प्लस आर टू कितना है 90, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर 90 का स्क्वायर कितना जाएगा 8100 हो जाएगा, माइनस फोर इंटू 90 है ना, 90 था ना ये, हाँ अच्छा 90 का कितना 8100 हो जाएगा। और देखो आर वन इंटू आर टू, आर वन कितना है, आर वन इंटू आर टू कितना मिल जाएगा 1800, तो 1800 को डायरेक्ट फोर से गुणा कर दे तो कितना जाएगा, हाँ ठीक है वेरी गुड, एक बार गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, तो कितना जाएगा यहाँ पे 4 इंटू इससे गुणा कर रहे हैं तो कितना जाएगा 7200। इसको सॉल्व कीजिए कितना जाएगा, घटाओ इसमें से कितना जाएगा 900, वेरी गुड। और 900 अगर आ गया तो मान कितना जाएगा इसका, कितना जाएगा 30 आ जाएगा ना, कितना आएगा इसका 30 मान आ गया, मतलब आर वन माइनस आर टू कितना आ गया 30। अब मेरे पास देखो दो इक्वेशन बन गया, आर वन प्लस आर टू 90 और आर वन माइनस आर टू कितना 30। तो इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं थर्ड, वहाँ हो जाएगा ये थर्ड हो गया था हमारा, और इसको मान लेते हैं फोर्थ, ठीक है। क्या इन दोनों को सॉल्व करके क्या नहीं सॉल्व कर सकते हैं आर वन आर टू फाइंड कर सकते हैं, किस वाले को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फोर्थ वाले को, बाई यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाई यूजिंग, तो देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है यहाँ पे यही पे सॉल्व कर दो, यहाँ पे जगह है थोड़ा सा, देखिए
तो हमें क्या लिखा हुआ है आर वन प्लस आर टू कितना 90, और यहाँ कितना लिखा हुआ है आर वन माइनस आर टू, ये कितना दिया हुआ है 30, कितना कट जाएगा कितना जाएगा 2R1 कितना 120, ठीक है। तो R1 इक्वल कितना जाएगा 60, R1 इक्वल टू 60, तो देयरफॉर R2 इक्वल कितना जाएगा, तो यहाँ पे घटा लो इसमें से, इसमें से घटा लो R2 कितना 60, यहाँ पुट कर लो 60 हो जाएगा, 90 में 60 जाएगा कितना 30, तो R1 कितना जाएगा R1 60, तो R2 कितना जाएगा 30 ओम। आया बात समझ में, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो इसमें मेन क्या था कि मुझे ये दिया होता सीरीज का, ये दिया होता पैरेलल का, ठीक है। हमको यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना था मैथ्स का, जिसके हेल्प से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। तो फॉर्मूला क्या याद रखना आपको है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ जो आपका जो ए और बी था वहाँ पे आर वन और आर टू बन जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला में मेरे पास वैल्यू क्या था, आर वन इंटू आर टू, तो हमने यहाँ से आर वन इंटू आर टू निकाल लिया, ठीक है। इसको तो ले गए मल्टीप्लाई कर लिए, और यहाँ से आपको कितना 1800, उसके बाद इसमें रूट डाल दिए, ठीक है। रूट डालने के बाद दोनों का वैल्यू यहाँ से इसका वैल्यू पुट कर लिए 90 का, ठीक है, और इसका वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लिए, ठीक है। यहाँ से आपका आ गया, तो यहाँ से बना दो इक्वेशन, एक बन गया आर वन माइनस आर टू इक्वल टू 30, इक्वेशन फोर्थ और इक्वेशन फर्स्ट, इन दोनों को हमने फिर यहाँ से सॉल्व करके आर वन और आर टू फाइंड कर लिए, ठीक है। तो अब कुछ और क्वेश्चन को हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, जहाँ से आपको और भी स्पीड चैप्टर के ऊपर अच्छे से बेहतर आपका क्लियर कंसेप्ट क्लियर अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, और आपका अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप जरूर लाइक दें, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ताकि जिससे पहले इस चैनल पर हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले वो आपके तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।